उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दो मंजिला मकान भरभराकर नाले में गिर गया। मकान के निचले हिस्से में बनी दो दुकानें भी नाले में समा गई। नागफनी थाना क्षेत्र के दसवां घाट पर लैक अहमद ने नगर निगम के नाले पर अवैध रूप से दो मंजिला मकान का निर्माण कर लिया था और मकान के निचले हिस्से में दो दुकानें बनाकर ब्यूटी पार्लर संचालक मोहम्मद तालिब को किराए पर दे दी थी। आज अचानक रात को मकान का पहले एक हिस्सा भरभराकर नाले में गिर गया। लोगों ने शोर कर दूसरी दुकान में मौजूद तालिब को बाहर बुलाया। जैसे ही तालिब बाहर आया, उसके बाहर आने के थोड़ी देर बाद ही मकान व दुकान का बाकी हिस्सा भी नाले में भरभराकर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई भी राहगीर नहीं आया। मकान व दुकान गिरने से पहले ही सभी लोग उससे बाहर आ गए थे। सूचना मिलने पर नगर निगम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। फिलहाल मकान नाले पर अवैध रूप से बना हुआ था, इसीलिए अब किसी भी तरह के मुआवजे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से देने की घोषणा नहीं की गई है। अवैध रूप से मोहम्मद लाइक द्वारा 6 वर्ष पूर्व नगर निगम के नाले पर दो मंजिला मकान का निर्माण किया गया था। शनिवार और रविवार को हुई तेज बारिश के कारण नाले में पानी तेजी से बहा था। इस कारण मकान की बुनियाद को सुरक्षा दे रही मिट्टी भी पानी के साथ बह गई। इस कारण आज यह मकान भरभराकर नाले में समा गया। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद तालिब। क्या हादसा हुआ है? हादसा कुछ नहीं, आज ही बस सब कुछ आज ही हो गया। इधर से धीरी खुली साइड से, इधर से बस थोड़ी देर ऐसे रहा, 2-3 घंटे, उसके बाद में फिर खुद ही गिर गया धीरे धीरे। अच्छा, जिस तरह से बारिश हो रही थी तो कुछ अंदाजा था? नहीं, बारिश से तो कुछ भी वो नहीं है। आज भी बारिश 8 बजे गिरा है, बिल्कुल कोई झीरी नहीं थी ये, बारिश का तो कोई मतलब ही नहीं था। पूरा इधर दीवार से पूरा चिपका हुआ था ये। अब थोड़ी देर के बाद में जब दुकान में काम कर रहे थे, सब कस्टमर भी बैठे थे, सब काम कर रहे थे, तो जब ये गिरा तो जब भी मालूम नहीं पड़ा अंदर से, तो बाहर के लोगों ने आके बताया, बोले इधर से पूरा खाली हो गया ये। तो जब आके पूरा शटर उटर नीचे गिरा के फिर बस बाद में बाहर ही खड़े हो गए ये। उसके बाद 1-2 घंटे बाद पूरा खुद ही गिर। तो 5-6 साल हो गए बने हुए, लोन पे मकान बनाया था ये, पूरी ज़मीन भी और मकान पूरा तैयार करा था। अंदर पूरा हेयर कटिंग सैलून था, ऊपर भी पार्लर था, लेडीज़ पार्लर होता है, ऊपर भी पूरा सामान लगा हुआ था, सब सीधे वगैरह जो होता है सामान, सब पूरा सामान पूरा फुल था। ऊपर भी नीचे भी 4-5 लड़के आराम से इसमें सोते थे, कारीगर जो दुकानों पे काम करते हैं वो उस पर सब ऊपर ही सोते थे। कोई परेशानी नहीं थी, कोई ऐसा पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जिस टाइम ये हादसा हुआ कौन कौन था अंदर? टाइम पे ये हादसा हुआ तो हमारे एक ताऊ थे, पापा जी थे, जो उन्होंने अपनी आंखों से गिरते हुए देखा पर वीडियो नहीं बना पाए उसकी। वो एकदम से एकदम गिर गए। देखा तो काफ़ी लोगों ने, पर जिनके जो मालूम है 2-3 नाम, उन्होंने जो है अपनी आंखों से गिरते हुए देखा ही। किसी के चोट वगैरह नहीं? किसी के कोई चोट नहीं। मकान खाली था क्या उस टाइम? सामान भरा हुआ, सामान पूरा भरा हुआ, एयर कटिंग का पूरा, कुर्सी वगैरह, शीशे, बेंच, इन्वर्टर वगैरह, सब पूरा सामान टोटली इसके अंदर ही था जी। बाकी कोई लई के अहमद। मकान किसका था? लई के अहमद। कितने टाइम से बना हुआ? लगभग 5-6 साल हो गए। क्या हादसा हुआ? इसमें हादसा क्या हुआ है सर, हम काम कर रहे थे इसके अंदर, 8 बजे लोग आए, बोले भाई ये दरार छोड़ गया मकान तुम्हारा, बोले ऊपर से भी छोड़ गया, 2 मंजिल मकान था बना हुआ, ये सब लोन पे लिया हुआ है, ये 6 लाख का लोन लिया हुआ था, इस पर अदा हो चुका था इसका, जो बात है रह गया अभी थोड़ा बहुत। फिलहाल यह है क्या, कोई पता नहीं चला, सब लोग बाहर आ गए, हादसा कोई नहीं हुआ, कुछ 10 बज के कुछ मिनट पे ये गिर गई। तकरीबन कितने का सामान हुआ घर के अंदर? लगभग सर इसमें मेरा अपना सलून का 2.5 लाख का सामान था, और 2.5 लाख इसके बनाने में लगे थे, 2.5 लाख की मैंने ये जगह ली थी। कितने का नुकसान है? लगभग इस टाइम ऐसा मान लो 7.5-8 लाख का नुकसान है, 7.5-8 लाख का पक्का नुकसान है ईमानदारी का। अच्छा, कौन कौन रहता था इसमें? इसके अंदर रहते थे कारीगर, रहते थे, मैं रहता था। अच्छा, जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम कौन कौन था? उस टाइम तो यहाँ पर पूरा हजूम था। और जब कौन था? मकान के अंदर खाली हो गया, मतलब हम निकल चुके थे, सामान कोई नहीं निकाला था, फिर डर के मारे चढ़े नहीं ऊपर, कुछ सड़क गिरा था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।